छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर लगातार सभी राजनीतिक दल जो दल है वो तैयारी में जुट गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लता उसेंडी जी, उनसे जानेंगे कि आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया गया है, उस आरोप पत्र में क्या आरोप भाजपा की तरफ से लगाया गया है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोप पत्र लाया गया है भाजपा के द्वारा, क्या कुछ है इस आरोप पत्र में और क्या ये जनता तक पहुँचाने में भाजपा कामयाब होगी? देखिए, जनता तक पहुंचाने में हमको आपकी मदद चाहिए, इसीलिए आपके साथ हम सब यहाँ पे रूबरू हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है वो गांव-गांव तक लगा हुआ है अपनी बातों को ले जाने में, और सारे परिवार के सारे सदस्य अब इन पिछले पौने पाँच सालों में, और मैं कहूँ पाँच साल में, छत्तीसगढ़ के सरकार के पास छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए कोई सही मैप नहीं था, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की जनता को उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ जिस तरह से रमन सिंह जी की सरकार में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो विकास अवरुद्ध हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुले हाथ से छत्तीसगढ़ को मदद करने को तैयार है, सारी योजनाओं पर लगातार छत्तीसगढ़ को मदद मिल रहा है। इवन गोठान तक में अगर हम चर्चा करते हैं, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस गोठान में भी बिना बजट के कोई स्कीम लागू की गई है और वो चल रहा है साल भर से। ये पहली बार मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिल रहा है जो केंद्र सरकार के पैसे से, 15वें वित्त आयोग के पैसे से वो स्कीम योजनाएं चल रही है। इन्होंने अंतिम समय में उसमें कुछ बजट, स्टेट बजट उन्होंने रखा है। तो जिस तरीके से एक विकास छत्तीसगढ़ को होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार ने उस पर बाधा बनाया पाँच साल कुर्सी पे बैठ के, यहाँ के युवाओं को बेरोज़गार करने का, यहाँ के युवाओं को छलने का काम, धोखा देने का काम, महिलाओं को, जो स्व सहायता समूह की महिला बहनें थीं जिन्हें कर्जा माफ़ी की बात घोषणा पत्र में कही गई उन्हें पूरा नहीं किया गया, रेडी टू ईट का काम जो स्व सहायता समूह की बहनें कर रही थी उन्हें उनसे छीना गया, महिलाओं के अधिकारों को महिलाओं से छीनने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल की सरकार है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो आज छत्तीसगढ़ के जितने भी निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, तो उसका कांग्रेस के कुर्सी में बैठने का खामियाजा आज छत्तीसगढ़ के वासियों को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि विकास को, छत्तीसगढ़ के विकास को कांग्रेस ने अवरुद्ध किया है। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो कांग्रेस ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया था, पाँच साल बीत गए हैं अब तक शुरू नहीं हो पाया और विवादों में घिरी हुई है। ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की ड्रीम प्रोजेक्ट थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसकी फाइल तैयार हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उस पर काम शुरू हुआ। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार आई और उस समय प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी थे, जिन्होंने माइलेज लेने के लिए आनन फानन में, मुझे लगता है, भूपेश बघेल जी से कह के उसे लॉन्च करवा दिया है। आज आप वहाँ पर जाकर देखते हैं, धरातल पे जो स्थिति होनी चाहिए थी वैसी स्थितियाँ नहीं है, और आने वाले समय में भी उस प्रोजेक्ट पे कांग्रेस का ग्रहण लग गया है। मुझे नहीं लगता अगर कांग्रेस रही तो वो प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा, क्योंकि किसानों को जिस तरीके से वहाँ पे फ़ायदा मिलना चाहिए, मक्का की खरीदी होनी चाहिए। अभी तक मक्का, इस सीज़न की तो बात नहीं कहूँगी मैं, पिछले सीज़न में भी कलेक्शन का काम सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अभी लेटेस्ट अभी जो मक्का आ रहा है, सिर्फ लोगों को बहाना बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमें इससे ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन धरातल पे वो वास्तविक स्थितियाँ नहीं है। और जो जिन चीज़ों की आवश्यकता वहाँ पे है, मुझे लगता है वो आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हुई ताकि वो योजना सफलतापूर्वक चल सके। विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, आप भी टिकट के दावेदार हैं, क्या चुनावी तैयारी आपकी पूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव हुआ, दूसरे दिन से चुनाव की तैयारी में भिड़ जाती है, और उसी तारतम्य में हम सब लोग भिड़े हुए हैं कि आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारी सीटें सब जीत कर आएँ और सरकार भारतीय जनता पार्टी की। लगातार दो बार उस क्षेत्र से मोहन मरकाम जीतते आ रहे हैं, अभी क्या स्थिति है, क्या नाराजगी दिख रही है वहाँ के लोगों की? जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में और कोंडागांव विधानसभा में मोहन मरकाम जी की सरकार के द्वारा छलने का काम, ठगने का काम किया गया, पिछले बार भी जो बड़े वादे किए गए उसके पूर्व वर्ष में भी
फ्री में चावल की बात कही गई और अभी आने वाले समय में जिस तरह की घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई तो उसका लाभ, घोषणाओं का लाभ कांग्रेस को मिला है, जनता को छलने का लाभ कांग्रेस को मिला है, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, उसका सबक तो जनता ही सिखाएगी। क्या लगता है आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी इस बार नए चेहरे को मौका मिल जा सकता है बस्तर के 12 विधानसभा सीटों की बात? देखिए ये केंद्रीय समिति बोर्ड तय करती है और पार्टी का जो निर्णय होगा हम सबके लिए स्वीकार। तो ये थे हमारे साथ लता हुसैन जी ने, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में पूरी तरह से भाजपा मजबूत स्थिति में है, हालांकि इसमें टिकट वितरण को लेकर उन्हें साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की केंद्रीय समिति ये तय करेगी कि आखिर बस्तर के 12 में से 10 विधानसभा सीटों में वो नए चेहरे कौन होंगे। अशोक नायडू, ABP News, बस्तर।